शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर चिचवल्ली स्थित बांस संशोधन तथा प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुएं लोगों द्वारा काफी पसंद की जा रही है। इसी केंद्र में हाल ही में कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बांस से निर्मित पर्यावरण पूरक साइकिल यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बता दें कि राज्य के वित्त नियोजन व वन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री श्री सुधीर मुंडन टीवार का ड्रीम प्रोजेक्ट बांस संशोधन और प्रशिक्षण केंद्र वर्ष 2014 में आरंभ हुआ है। इस केंद्र में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों ने गत 2 वर्षों में अपनी कला से राज्य भर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ के प्रशिक्षणार्थियों को अगरतला में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें घर की शोभा बढ़ाने वाले बांस से बने नाना प्रकार के शोपीस तथा गृहोपयोगी सामग्री तैयार की जाती है। इस सभी कलात्मक वस्तुओं को नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य केंद्र संचालक राहुल पाटिल करते हैं। हाल ही में आयोजित कार्यशाला में गत 2 वर्ष का अभ्यासक्रम पूरा करने वाले 194 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। उपरोक्त अवधि में प्रशिक्षुओं द्वारा बांस से राष्ट्रध्वज, ढाल, तलवार, स्मृति चिन्ह, लालटेन, टेबल लैंप्स, स्टडी टेबल, पोडियम आदि को साकार किया गया। मैं तिरपुरा का हूँ, यहाँ से बीआरटीसी की तरफ से मेरे को बुलाया, इसलिए मैं बेमो का काम सिखाने के लिए आया, बेमो का कुछ चीज बनाने का। मैं पहले आईटीआई में किया था 87 में, और 87 के बाद निकला और बहुत साल घर में था। बाद में हम लोग अगरतला में एक बीसीडीआई खोला था, बीसीडीआई में काम किया है 8-9 महीना। तो बाद में मेरे को देहरादून में दे दिया बीसीडीआई वालों ने। मैं तो पढ़ा तो होना था। अच्छा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सिखाया अभी तक यहाँ पे? ये भी तो अभी तक फिलहाल बास्केट और फर्नीचर भी चला है ना। इनमें से सभी आकर्षक करने वाली वस्तु रही बांस से तैयार साइकिल, जिसे कार्यशाला में उपस्थित सभी ने पसंद किया। केंद्र में महाराष्ट्र बांस विकास मंडल के प्रबंधकीय संचालक TSK रेड्डी और चंद्रपुर वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक विजय शेलगे के मार्गदर्शन तथा बांस संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र के संचालक राहुल पाटिल के नेतृत्व में कलात्मक वस्तुएं बनाई जा रही है। बांस प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निर्मित बांस की साइकिल में लगभग 70-80% बांस इस्तेमाल किया गया है। साइकिल के चक्के तथा तकनीकी कनेक्शन लोहे के है। केंद्र के संचालक राहुल पाटिल की कल्पना तथा संस्था के प्रशिक्षु किशोर गायकवाड़, अमोल कोटना के और शिवा प्रसाद ने मिलकर 1.5 माह में साइकिल बनाई। बता दें कि बांस की तन्वक्षम शक्ति से अधिक होती है। बांस के अंदरूनी लिग्निन के चलते कंपन शोषण में मदद मिलती है, इसीलिए लोहे की साइकिल से ज्यादा बांस से बनी साइकिल हल्की व आरामदायी होती है। इन प्रशिक्षणार्थियों ने बांस से साइकिल के अन्य कई मॉडल तैयार करने का मनोगत व्यक्त किया। बेसिकली का बरं घ्यावी याचं एक उत्तर आहे की इको फ्रेंडली आहे। आजकाल पोल्युशन आणि ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामुळे ही सायकल प्रिफरेबल आहे, इको फ्रेंडली। पण वैशिष्ट्य जर आपण विथ रिस्पेक्ट टू मेकॅनिकल आहे, ॲज अ मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून मला असं वाटतं की टेन्साईल स्ट्रेंथ ऑफ बांबू इज ऑल्सो व्हेरी गुड। आणि दुसरी गोष्ट, त्यामुळं स्टीलला पण बांबू रिप्लेस कन्स्ट्रक्शनमध्ये जर करत असेल तर मला असं वाटतं की सायकलमध्ये तर आपण करायला हवं रिप्लेस स्टीलला। आणि दुसरी गोष्ट, बांबूमध्ये लिग्नाईन नावाचं मटेरियल असतं आणि इट इज अ काइंड ऑफ गुड शॉक ऑब्झर्वर, आणि ते त्यामुळं व्हायब्रेशनला फार मदत, व्हायब्रेशनच्या दृष्टीनं बांबू इज मोर कम्पॅटेबल दॅन अदर मटेरियल असतो। मला असं वाटतं की ही सायकल चालवताना तुम्हाला तो फरकसुद्धा जाणवतो। आणि अजून आपण बाकीच्या डेव्हलपिंग स्टेजमध्ये सुद्धा त्याच्यावरती करत आहोत प्रयत्न, जसं की मॉइश्चर आणि पावसाचा किंवा हीटचा, मॉइश्चरचा बेसिकली काय याच्यावर परिणाम होऊ शकतो ह्या दृष्टीने सुद्धा आपण त्याचे टेस्टिंग आपण करणार आहोत, त्याच्या दृष्टीने पण आपण पावलं उचलणार आहोत। तो अँगल आमचा अजून डेव्हलपिंग स्टेजला आहे। माननीय वनमंत्री सुधीरजी मुनगंटीवार साहेब यांच्या कल्पनेतून या बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राची निर्मिती झाली। याचं उद्दिष्ट हे आहे की खेडेगावातील, बेसिकली महाराष्ट्रातील बुरुड व इतर बांबूवर आधारित जे लोक आहेत त्यांना स्वयंरोजगार असेल,
अशा पद्धतीने त्यांच्या लाईव्हलीहूड जनरेशनसाठी मदत होईल व त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल किंवा स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध होईल या उद्दिष्टानं या संस्थेची निर्मिती करण्यात आली. आत्ता सध्या आपण 194 लोकांना प्रशिक्षण दिलेलं आहे. त्यापैकी आता आपण एका ठिकाणी एक कॉमन फॅसिलिटी सेंटर आपले इथेही आहे चंद्रपूरमध्ये, तसंच एक कॉमन फॅसिलिटी सेंटर आपण विसापूरला प्रायोजित करण्यात येत आहे आपलं. आणि आत्ता पुढच्या येणाऱ्या बॅचेसमध्ये आपण ज्या ज्या बॅचेसमध्ये जे जे विद्यार्थी येतील त्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून ट्रेनिंग त्या अँगलनेच ट्रेनिंग द्यायचा आमचा विचार आहे सध्या. सायकल बनवण्याची आयडिया म्हणजे आमच्या सरांनी, पाटील सरांनी आम्हाला आयडिया दिली की आपल्याला सायकल बनवायची आहे आणि ते टार्गेट घेऊन मी सायकल बनवली आहे. आणि बनवण्याचं ध्येय म्हटलं तर याच्यामुळे आम्हाला जर सायकल इथं बनत असेल, जे आता मुंबई पुणे ठिकाणी म्हणजे आय टी सेक्शन अशा ठिकाणीच बनतात सायकल, पण अशा मला वाटते अशा सेंटरवर खूप कमी बनतात सायकल, आणि ते आम्ही घेतलेल्या बनवण्याचं. आणि त्याच्यामुळे आमच्या मुलांना वगैरे जे आहे कारागीर त्यांना रोजगार पण मिळणार. सर, ॲक्च्युली मी जांभूळघाटला राहतो चिमूर साईडला. मी 2015 आगरतलेला गेलो होतो. आपल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या थ्रू आम्हाला 15 मुलाला तिथे प्रशिक्षण देण्यात आलं बांबूबद्दल. आम्ही तिथून प्रशिक्षण घेऊन आलो 45 दिवसाचा. नंतर आम्हाला इथे आमच्या कामाची सुरुवात झाली. मग इथे आम्हाला नवीन नवीन आयडिया येत गेली. आम्ही त्या माध्यमातून या सर्व वस्तू इथे बनवत आहोत. याच्या माध्यमातून आम्हाला मी जे बेरोजगार होतो त्याच्यापेक्षा आम्हाला चांगला रोजगार मिळालेला आहे. याच्याबद्दल मी आपल्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचा धन्यवाद मानतो का आम्ही बेरोजगारांना रोजगार दिला.